करने के आधार जिंदाबाद। और जब संजीव संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। और जब संजीव संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद साथियों, जंतर मंतर से सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब जो कि वर्तमान में सभी संगठनों में मिलकर उनको अध्यक्ष बनाए तथा अपनी अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यानी कि 30 अप्रैल 2023 से देशव्यापी अभियान शुरू करने और अपनी मांग को जायज बताते हुए उन्होंने बड़ी शालीनता से बात रखी। तो आप भी पूरा वीडियो सुनें और उनको सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर। ये सभी को पता है कि इस आंदोलन का 20 फरवरी से शुभारंभ हुआ था और दिनों दिन एक अच्छी ताकत और प्रदर्शन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ कि अभी पिछले 9 तारीख को तमाम जो पूर्व सैनिक संगठन हिंदुस्तान के कोने कोने में कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे एक फेडरेशन के अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं और करीब 100-150 ऑर्गेनाइजेशन अपना समर्थन पत्र हमारे फेडरेशन को दे चुके हैं और बाकी के लोग भी हमारे संपर्क में हैं। इनकी संख्या 200 को भी जल्दी ही पार कर जाएगी। हमारी मांगे टोटली जेन्युइन मांगे हैं। हमारा लड़ाई न किसी ऑफिसर से है आर्मी के से, न हमारा किसी जाति से, न किसी धर्म से, न किसी व्यक्ति से है। हमारा लड़ाई नहीं है बल्कि हमारी एक उचित मांग है और वो मांग भी ऐसी है कि जो नॉर्मल वे के लिए हमें मिल जानी चाहिए थी लेकिन किसी वजह से नहीं दी गई और नहीं देने के लिए भी हम सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार इसका नहीं मानते हैं कि हमें जो भी ORP मान लीजिए, इक्वल MSV मान लीजिए, डिसेबिलिटी पेंशन मान लीजिए, ये जब ग्रांट करी गई तो जो भी कॉम्पिटेंट लेवल पे निर्णय हुआ उनके संज्ञान के अंदर वास्तविकता नहीं लाई गई और एक तरीके से उनको अंधेरे में रख करके सारे निर्णय करवा लिए गए। अब क्योंकि लंबे समय से हम प्रताड़ित थे, शोषित थे, उसके बावजूद हम किसी कारणों से अनुशासन में बंधे हुए हमारे जो भी लीडर चाहे सेना में थे चाहे हमारे संगठनों के पदाधिकारी रहे उनका अनुसरण करते जा रहे थे इस विश्वास के साथ में कि ये कभी भी हमारा अहित नहीं होने देंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों की जो भी सरकारी घोषणाएं हैं उनको उठा करके देखें तो हर स्वीकृति के अंदर, हर नोटिफिकेशन के अंदर जो सेना के पूर्व सैनिकों के अंदर 97% जैसे जो ओआर है उनको जो कि उनके ड्यूज एंटाइटलमेंट्स थे वो नहीं दिए गए, देने के नाम पे खाली खाना पूर्ति के लिए। और अब क्योंकि एक बार धोखा हो जाए, दो बार धोखा हो जाए, कब तक दूसरे की आश लेकर के हम उसके पीछे पीछे चलते रहे, लगातार नुकसान कराते रहे, इस चीज़ से सबक लेते हुए हमारे पूर्व सैनिक जो भी संगठन हैं जैसे जोहार के उन लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि हम एक फेडरेशन बना करके एक आवाज़ के अंदर सरकार के सामने हमारा पक्ष रखेंगे। हालांकि इतने लंबे समय से ये एक दुख की बात है कि सरकार अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है। आने वाले दिनों के अंदर हम हमारी आवाज़ को और भी बुलंद भी देंगे, हमारे इस आंदोलन को और भी धार को तेज करेंगे। सरकार को बात तो करना पड़ेगा, सरकार पे हमें भरोसा भी है। ऐसा कैसे कहते हैं कि हमारी सरकार जो हमारे द्वारा बनी हुई वो हमारा पक्ष नहीं सुनेगी? जरूर सुनेगी। इसी वजह से डिले हो रही है, कोई बात नहीं, हम धैर्य के साथ में इसका भी जो है हम सब्र रख रहे हैं। लेकिन सब्र टूटने से पहले ही हम आशा भी रखते हैं सरकार से, अभी बहुत हो गई, अब मेहरबानी करके हमें टेबल की वार्ता पे बुलाए और भविष्य के लिए भी इस फेडरेशन के माध्यम से हमारा सरकार से गुजारिश रहेगा कि कभी भी पूर्व सैनिकों के वर्ग के अंदर जो 97% संख्या है उनसे संबंधित मसलों पे बातचीत करने के लिए सिर्फ पूर्व सैनिक जेशो जवान को ही वार्ता पे बुलाया जाए। हमें किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। क्यों? कि आज हमारे पास में भी लीडरशिप के कोई कमी नहीं है, हमारे पास में जानकार लोगों की कोई कमी नहीं है, हम भी हमारा पक्ष बहुत ही अच्छी तरीके से और पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। इस आंदोलन की कड़ी के अंदर अभी पिछले 3 या 4 तारीख को हमने तमाम भारत के कलेक्टरों के माध्यम से का भी अभी तक हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि उसमें कुछ कार्रवाई हो रहा है। अब अगला कदम हमारा होगा 30 अप्रैल को हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे भी हमारे पूर्व सैनिक भाई और संगठन काम कर रहे हैं वो अपने अपने साथियों के साथ जाकर के और जो स्थानीय सांसद हैं उनको हमारा मांग पत्र सौंपेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं पूरे भारत के और आप ही मिलकर के सरकार बनाते हैं। प्रधानमंत्री को तो इतनी फुर्सत नहीं हो सकती कि वो हमसे आके यहाँ पे बात करें, लेकिन आप कम से कम हमारे लोकसभा क्षेत्रों के अंदर बैठे हुए हैं, आपसे हमारा डायरेक्ट संवाद है, तो आप हमारे मंच को जो भी मंच का हमारा ज्ञापन है इसको ले जाकर के पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें और सरकारी स्तर पर इस पर निर्माण करने कार्रवाई करें और इसके ऊपर वार्ता शुरू करवाई जाए। तो ये भी एक हमारा एक बहुत ही धमाकेदार अगला कदम होगा हमारे संगठन का और आशा है कि हर हालत के अंदर सरकार सुनेगी, नहीं तो फिर बाध्य होकर के आगे और से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जिसकी हम
ऐसी कोई हमारे को कोई चॉइस नहीं है कि वो करें, लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी फिर हमको लगातार चलना पड़ेगा। ये हम पुनः दोहराते रहे हैं कि डेफिनेटली एक अच्छा संकेत नहीं है कि किसी भी इतने बड़े विशाल देश के सैनिक अपनी मांगों के लिए सड़क पे आकर के बैठे। हमें इस बात का दुख भी रहता है, लेकिन इस दुख के अंदर, ये बैठने के वाली मजबूरी के अंदर सरकार में बराबर के भागीदार है। अतः सरकार से पुनः निवेदन है, समय रहते प्लीज आकर के इसका संज्ञान ले, वार्ता के टेबल बुलाएं, बात करें। हम कोई ऐसा खजाना नहीं लूटने वाले हैं सरकार का, बहुत ही जेन्युइन मांगे हैं जो हमें बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। तो अब तो कम से कम उनसे गुजारिश है कि हमारी बात सुन ले वे, और जो हमारी ड्यू इंटाइटलमेंट्स है वो हमको समय रहते दे दे। थैंक यू।